दीदी तूने देख हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे आओ आओ जल्दी आ जाओ आओ इधर आओ। आज घर इसलिए सजाया है क्योंकि आज फादर्स डे है। फादर्स डे ना पापा का दिन होता है। उस दिन हर एक बच्चे अपने अपने पापा को बताते हैं कि वो उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं। पर मम्मी वैसे भी तो हम पापा से प्यार करते हैं। तो क्या तुम उनका रोज रोज बताती हो कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं ना, इसीलिए फादर्स डे मनाया जाता है। जैसे हर एक इंसान के जीवन में खास दिन होता है ना, उसका जन्मदिन, ठीक वैसे ही फादर्स डे पापा का खास दिन होता है। हाँ बेटा, हमको पता है हमारे बेटियों को केक कितना पसंद है, इसीलिए उनका मनपसंद केक लाए हैं हम। अब हम मिलके केक काटेंगे और फिर आप दोनों हमें केक खिलाना। हैप्पी फादर्स डे। पापा, पिट्टी आपको सबसे पहले केक खिलाएगी। सीमा, बच्चों का तोहफा? हाँ हाँ, ये लीजिए। ये आपका। थैंक यू पापा। और ये बिट्टी आपका। बिट्टी, तुम्हें पता है इसमें क्या है? इसमें है कलर्स, रंग। हम जानते हैं हमारी बिटिया को चित्रकारी कितनी पसंद है। जमीन पर, दीवारों पे, मिट्टी में, गमलों पर, सब जगह हमने आपकी चित्रकारी का हुनर देखा है। इसीलिए खास तुम्हारे लिए ये रंगों का सेट लिए हैं हम। अब तो नीका मदद से तुम्हारी दिल की हर बात कागज पे उतार सकती हो। रंगीन चित्रों के जरिए तुम दुनिया के सामने अपने दिल की बात रख सकती हो। जज्बात जाहिर करने की कला जो चित्रों में है ना, वो शब्दों में नहीं है। इसके बाद ना तुम्हें तुम्हारे शब्दों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुमको तुम्हारे पिता का प्यार बहुत जल्दी मिल जाए। रंगीन चित्रों के जरिए तुम दुनिया के सामने अपने दिल की बात रख सकती हो।
जज्बात जाहिर करने की कला जो चित्रों में है ना, वो शब्दों में नहीं है। वाह बिट्टी, तुम तो बहुत सुंदर चित्र बनाती हो। ये तो हमें नहीं पता कि पापा तुम्हारा चित्र देख के खुश होंगे या नहीं, लेकिन मम्मी तुम्हें जरूर लड्डू खिलाएंगी, इस बात की गारंटी है। चलो मिला जी, जल्दी से नाश्ता दो, देरी हो रही हमको। जी ला रहे। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर चित्रकला है, हैं? जी आपका नाश्ता। ये चित्र कौन बनाया? हमें नहीं पता। अरे हमको पता है, हमारा बिटवा बनाया होगा यश। अरे उससे सुंदर कला ना इस घर में कोई कर ही नहीं सकता। हम तो शुरू से कहते हैं कि हमारा बिटवा जिस चीज को छू देगा ना, वो सोना बन जाएगी सोना। का समझी हैं? हमारा चेहरा बेशक ना बनाया हो, लेकिन हम ये देख के बता सकते हैं कद काठी कि हम ही हैं। हैं? कहाँ है? जी वो अंदर सो रहा है। अरे बुलाओ जरा। जी। वाह, मतलब कमाल कर दिया हमारे बेटवा। आखिर है तो बेटा सुरेंद्र कुमार का ना। पापा, ये चित्र यश ने नहीं, बिट्टी ने बनाया है। और बिट्टी ने आपका चेहरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसने आज तक आपका चेहरा नहीं देखा। पहले नहीं बता सकती थी? चल भाग यहां से। अरे उस मनहूस के बनाए हुए चित्र को देखकर अब हमारा भी दिन खराब हो जाएगा। फटे टुकड़े वापस जोड़ने से ना चित्र सही होगा ना पापा तुम्हें प्यार करेंगे, इसलिए बेकार में मेहनत ना करो। पता है हमें पापा बहुत गंदे लगते हैं, हमेशा कितना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं हम पर। इतने बुरे पापा भगवान जी किसी को ना दे।
बिट्टी, पापा तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखते और तुम हो कि उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। वैसे तो हम रोज सुबह आरती में भगवान से यही मांगते हैं कि तुम्हारी बात सच हो जाए, तुम पापा का चेहरा देख सको और वो हम दोनों को ढेर सारा प्यार दे। इतने साल हो गए हमको साथ में काम करते हुए भाभी, लेकिन आप आज भी बिना पढ़े कोई पेपर साइन नहीं करती हैं। लगता है आपको मुझ पे अभी भी भरोसा नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है भाई साहब। पापा कहते थे, बेटा बिजनेस के मामले में अपने बाप पर भी अंधा विश्वास मत करना। बस पापा की वही बात दिल दिमाग में बस गई है। और भाई साहब आपने भी तो एक भाई की तरह हमारी जिम्मेदारी उठाई। और भाभी आपने भी तो हमारी जिम्मेदारी उठाई है। आप बिजनेस को देखो कहां से कहां ले आए और हमें उस घर से अपने इस बड़े घर का हिस्सा बनाया। अरे भाई साहब आपने जब हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया तो ऐसे में तो परिवार को एक साथ ही मिलके रहना चाहिए, इसलिए आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। लेकिन दुनिया पर भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। और एक आप है, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। किसी ने जरा सा अपना दुखड़ा क्या रोया कि आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं हर पेपर पढ़ के साइन करती हूँ। आपकी अलर्टनेस भी जरूरी है भाभी, और इसी वजह से हमारा बिजनेस फल फूल रहा है। मेरी अलर्टनेस के साथ साथ साक्षी के भाग्य से भी फल रहा है हमारा बिजनेस। भाई साहब आपने कभी नोटिस की है, जब से साक्षी पैदा हुई है तब से हम सब ने कभी पलट कर नहीं देखा। साक्षी बेटा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो बेटा? मम्मा ये डॉल मेरी है, ऋचा को बोलो ना। ये तो मेरी डॉल है ना, अब साक्षी को दूसरी दिला दो ना प्लीज। ये डॉल ऋचा को ही दे दो। नहीं मम्मा मुझे यही डॉल चाहिए, आप ऋचा को दूसरी ला कर दे दो ना। ऋचा बेटा जिद नहीं करते, साक्षी को डॉल पसंद है तो दे दो ना। नहीं भाभी ये डॉल ऋचा की है, और साक्षी बेटा ये डॉल हमने ही तो बर्थडे पे ऋचा को गिफ्ट दी थी ना। मैं आपको एग्जैक्ट सेम डॉल लाकर दूंगी, ये डॉल ऋचा को ही रहने दो। देख रहे हैं आप दोनों कितनी जिद्दी हो गई है ये, जो चाहिए मतलब चाहिए, किसी की नहीं मानती फिर। और हाँ भाभी ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। बच्ची है भाभी, कितना समझाती हूँ मैं कि शेयर करना सीखे, सुनती ही नहीं है। अब ये हाल है तो बड़े होकर भगवान जाने क्या होगा। तुम खामखामे परेशान हो रही हो सुप्रिया, बच्ची है धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा अक्षत को देखा है आपने, बचपन से ही कितना समझदार है, उसे तो कभी कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाभी परेशान मत हो, अक्षत के साथ रह के साक्षी भी संभल जाएगी। आई विश ऐसा ही हो भाभी। अम्मा ये देखो अपने राजकुमार स्कूल जाने के लिए हो गए हैं तैयार। बलिहारी जाओ, किसी की नजर ना लगे हमरे लल्ला को। थू थू थू, अच्छे से पढ़ना। मम्मी टिफिन में क्या है? अरे अपने शक्ल जैसी मोटी गोभी। लेकिन तुम चिंता ना करो, हमने रोटी पे ना खूब घी लगा दिया है, बस तुम मजे से खाना। जी दादी तुम भी खा लो घी वाली रोटी। अरे बिटुआ ये तो हमसे भी तेज निकल रहा है। पापा घर का खाना देख के उल्टी आती है, 50 रुपए दो ना कैंडीज में से समोसे और कटोरी खा लेंगे। सुन रही हो, शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे ही हाथ का खाना खा के उल्टी आ रही है, हैं? और हमारी बिटुआ को अच्छे से खाना खिलाओ, नहीं तो इस घर में किसी को एक निवाला नसीब नहीं होने देंगे हम, समझी ना? जी बचपन से ऐसी आदतें डालना अच्छी बात नहीं है ना। तुमको बड़ा ज्ञान है, अपने बिटुआ का पेट तो भर नहीं पा रही हो तुम, हमको ज्ञान दे रही हो, बहस कर रही हो हमसे।
अरी ना, तुम्हारे बाप से नहीं अपने बाप से पैसे मांग रहा है, समझी? कसम से कह रहे हैं बिटुआ, ऐसी कलजुगी माँ हम आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अरे अपने बच्चे के सुख स्वाद के लिए इसकी आंतें जलती हैं। ऐसी बात नहीं है। ए चुप! ये लल्ला, काहे उदास हो रहे हो बिटुआ? हैं? हमरी आँख का तारा, ऐसे उदास नहीं होते बिटुआ। पापा, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। वो हमें कुछ किताबें लेनी है। तुम्हारे स्कूल की फीस दे रहे हैं ना? दे रहे हैं कि नहीं? तो बस उससे ज्यादा उम्मीद मत करना तुम हमसे। और तेरे डिब्बे में जो गोभी और सूखी रोटी दी है ना, वो ठूस के आना। डिब्बा एकदम साफ होना चाहिए, वरना कल से डिब्बा नहीं मिलेगा। ए बेटा, तुमको ना स्कूल जाने में देरी हो रही है ना? चलो। पापा ऐसे नहीं, मुझे गोदी में बैठा तब भी जाएंगे। ये लो अम्मा, हमारे बिटुआ का बिल्कुल राज ही हो गया, सच बता रहे। आजा 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 आजा। बस लो, लो चलो 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 चलो। तुम अभी स्कूल जाओ, किताबें हम बाद में ले लेंगे। अरे बिट्टी, तुम पढ़ना चाहती हो तो चलो हमारे साथ स्कूल, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। हम लोग स्कूल में इस पे लिखते हैं, ये स्लेट पे लिखने के लिए नहीं बने हैं, घर का काम करने के लिए बने हैं। और याद रखना, तेरा एक एक निवाला तेरे काम पे निर्भर करता है। घर का काम करेगी तो छत मिलेगी, बाहर का काम करेगी तो रोटी, समझे? जल्दी से अपना काम निपटा और उसके बाद डिब्बे बांट क्या। जरा सी भी गलती हुई ना, याद रखना थाली में मिट्टी मिलेगी खाने के लिए।